अच्छा बाबूजी, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार, आपका बेटा, आपका भाई प्रमोद लाल यादव गाजीपुर से। सब भैया लोगन के गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के जनमानस के कलेजे में दर्द है। एक तरफ दर्द है तो एक तरफ आक्रोश भी है। आज हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे जघन्य अपराध के बीच हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में हुई यूपी के हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ वह होना नहीं चाहिए था। और यह दृश्य देख करके पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत का रूह कांप गई। क्या बात है। लेकिन इस घटना को लेकर के पूरे देश में हाहाकार सा मचा है। बाबा, शासन प्रशासन की करतूतों को देख करके जुल्मियों के खिलाफ एक आवाज है। क्या आवाज है? कि काट दो शीश, काट दो शीश उन हरामियों का, काट दो शीश जुल्मिन का चौरा है पर, अरे विदेशों के जैसा नियम चाहिए, जुर्म की आग को जो हवा देता है, ऐसा पीएम सीएम ना डीएम चाहिए, धर्म निरपेक्ष विश्वगुरु धरा पर ये जब, अरे सुनने वाला जब कोई तुम्हारा नहीं, मिटो या मिटा दो उन सालों की हस्ती, लेकर आना जन्म जब दोबारा नहीं। काट दो शीश जुल्मिन का चौराहे पर, अरब देशों के जैसा नियम चाहिए, जुर्म की आग को जो हवा देता है, ऐसा पीएम सीएम ना डीएम चाहिए। हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हैवानियत हुई, इससे पूरा देश आक्रोशित है, आक्रोश में है। कौवाली का टुकड़ा लगल मास्टर बिरहा में, ये हमार शुरुआत है। कौवाली कैसे मालिक के दरबार में फरियादी फरियाद लेके जा रहल बा, और खुदा से कहता है, खुदा आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। क्या कहता है? लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, हट गया कश्ती में मेरी आके समंदर सिमट गया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे मौला का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। ये
ई तो कौआली रहल बिरहा सुनौले भैया बाबू हो, लेकिन भाव में कितना ऊंची बात लिखलन है कवि जी। का लिखलन है? निकम्मों के प्रति जो भगवान का ना भइलन, आदमी के चंगुल में जब भगवान राम फंस कर किसी तरह न्याय पाए, जब ही भगवान का ना भइलन तो ये हमार तोहार कैसे हुई है, बेटी बहिन के इज्जत कैसे बची। लिखलन है कवि जी का लिखलन, संकेत है कवि जी का, कहा लेकर जन्म अयोध्या में श्री राम फंस गए, लेकर जन्म अयोध्या में श्री राम फंस गए, मुकदमा लड़ते लड़ते आदमी से बच गए, नहीं तो तंबू में रोते या हिंदुस्तान को खोते, नहीं तो तंबू में रोते या हिंदुस्तान को खोते, नहीं जब भगवान होकर अपने न्याय के लिए इस हिंदुस्तान की धरती पर परेशान हो गए भगवान राम, तो हमारी आपकी क्या औकात है। बिरहा की शुरुआत हो गई नजम में कैसे लाल, वाह बहुत अच्छे। हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाने वाले, हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाने वाले, होश में आ जाओ बेटी को जलाने वाले, बहुत अच्छे। कान खोल करके सुन लो, आवाज है प्रमोद लाल यादव की, क्या नारी स्वाभिमान का एक और बात करते हो, भ्रष्टाचार के चंगुल में जीते मरते हो, चारों तरफ कौन घूम रहा है तुम्हारे चलते, तुम्हारे चलते मौन बैठा ये प्रशासन है, सीना तान करके घूमता दुशासन है, बेटी क्या होती है, बेटी लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, रचंडी है, यही बेटी जगत की जननी कही जाती है, लक्ष्मी दुर्गा बन धरती पर पूजी जाती है, यही से बिरहा की शुरुआत होती है। कहानी कहां कबा, हाथरस जिला चंदपा थाना की कहानी है, हाथरस जिला चंदपा थाना की कहानी है, कलम भी रो रही आंखों से आता पानी है, बुलगड़ी गांव में मनीषा जन्म पाई है, बुलगड़ी गांव में मनीषा जन्म पाई है, समय भी घेर कर चंगुल में जुर्म ढाई है, भैया हो उत्तर प्रदेश हाथरस जिला चंदपा थाना के अंतर्गत बुलगड़ी गांव के अंदर जन्मी एक गरीब किसान की बेटी, जोने बिटिया का नाम मनीषा वाल्मीकि बतलावल गई। मनीषा बिटिया रानी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसे जानकर पूरे देश के लोगों के दिल में आक्रोश की भावना है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरिंदों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। भैया हो, कहानी आगे बढ़ल, यहीं से विरह की कहानी शुरुआत होती है। रुकू भैया, बड़ी सुंदर गीत लगल जवन ए समय बड़ा तहलका मचोले बा। हमरे कैसेट का गीत बा, हमरे आवाज में आप लोग बड़ा प्यार से आशीर्वाद देहली जाओ। धर्मवा अलगा अलगा शेर हुआ शेर। यह गौले बानी हम का गौले ही महेंद्र चचा। सब करा खुनावा सब करा खुनावा एक ही रहुवे सब करा खुनावा एक ही रहुवे धरा गीत रहल भैया हो। लेकिन कवि जी लिखलन ये भारत के धरती पर कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कहानी आगे बढ़ल मनीषा बिटिया अब मतारी कहां चल ली है। लिखलन कवि जी का कहीं ना सुरक्षित केहू मोरे भैया कहीं ना सुरक्षित केहू मोरे भैया समैया सन आइल बा आई अबितिया मनीषा बड़ा हंसी खुशी से घास काटे खेत में चल ली है। तब तक घात लगा के बैठल पापी निर्दयी अधर्मी कैलन का घास काटे चल ली है माई संगे बिटिया पापी दूरा चरिया लगवल बाट घटिया घास काटे चल ली है माई संगे पिटिया पापी दूरा चरिया लगवल बाट घटिया। भैया हो, एक खेत में माई गई है घास काटे और दूसर का वाले खेत में मनीषा बिटिया कि अपने पशुन के चारा ले चलब की आई। लेकिन चारों पापी निर्दयी घात लगा के बैठल बाड़न तब भई का बाई के अकेले घेरी बाई के अकेले घेरी ले हना का सैया पाई के अकेले घेरी
भैया हो मौका के तलाश में बैठल संदीप ठाकुर अपने साथियन के साथ जैसे शिकार के खाए बदे नोच बदे जिसे कुत्ता दौड़लन दौड़ पड़ता है और पकड़ करके बहिन मनीषा के दुपट्टा से मुहावा के बांध दे ले वो भैया और चारों पापी पकड़ के बहुत दूर खेत में ले गईलन हा। ले जा करके खेत के अंदर जो नहीं करना चाहिए नीच कसाई करने लगे। नोचा लगलन बहनी मनीषा के वो दलित के बिटिया के नोचा लगलन। दुआई देत बा भैया हमार का कसूर बा, हमार माई हमार इंतजार करत हुई छोड़ दा। लेकिन पापी कपड़ा के फार देलन और चारों दरिंदा जो नहीं करना चाहिए था करने लगे। तब हथवा जोड़ के मुहावा से आवाज नहीं खेवत, हथवा जोड़ के कलश भैया गरीब के पास खाली आबरू होले। हमारे जतिया छोड़ दा कैसे मनीषा बही रोवत तारी गीत बदल गिल मास्टर कैसे। रोवतारी बहनी लेकिन नीचन के दिल में तनको रहम नहीं थे। रोई के कहत बा कैसे आबरू से बढ़ के नहीं, भैया आबरू से बढ़ के नहीं कवनो दवलतिया सुनाए पीरना। हाथ जोड़ के मना करत हो लेकिन पापी हैवानियत पर उतर गईलन और यहां तक का कैलन। नतीजा निकलल कि बहिनी का गर्दनवा पकड़ के गर्दनवा का हड्डिया पापी तोड़ दलन। यह है ना औरी का कैलन हवसी हैवानियत पर उतर गई। भैया हो गर्दन का हड्डी पापी तोड़ दलन, रीढ़वा का हड्डी हो तोड़ दलन और यहाँ तक कि पापी बहनी का जुबनिया भी काट दलन। भाग गईलन छोड़ के बेहोशी हालत में बा माई के पता चलल कि हमार बहनी कहाँ चल गई घरसिया काटल। चप्पल छूटल देखली वही के सहारे माई जब गईली हो बजरा के खेत में देखल कि हमार बहनी का कपड़वा फाटल बा लहू लुहान बा अपने अचरवा से बहनी के तो पता नहीं। तब भइल का माई बापू रोवा ऐसन देख के हलतिया सुनाय बीरना। माई बाबू रोवा ऐसन देख के हलतिया सुनाय बीरना। डूबल धरम करथिया सुनाय बीरना।
माई रोली है और रोवाई सुन के गांव का लोग सुलन है, दौड़ के भाग के लोग खेत में पहुंचलन और मनीषा बहनी के दुआरे लगीलन। लोग कहलस कि जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करावा नहीं तो बहनी बची ना। आखिरकार हैवानों ने ऐसा जघन्य अपराध किया कि आज उनके बचाव में शासन प्रशासन भी लग गया। ये सोचने की बात है। गीत बदल गई मास्टर। बड़ी पुरान गीत बा, एकर कौनो जोड़ नहीं थे। अरे गंगा जी कऊची बूक हायर हरियनु जहवा बैठे भगवान। लेकिन जिंदगी और मौत से लड़ रही है बहन, और लोग कहां भर्ती करावा तारन। ए भैया ललत जंग मऊत से हाई बहिनियनु ललत जंग मऊत से हाई बहिनियनु अलीगढ़ अलियस पता चौदह सितंबर को हैवानों ने इज्जत लूट करके बहन के साथ वह अन्याय किया जो हर हिंदुस्तानी माफ नहीं करेगा। तो लिखलन कवि जी का लिखलन, वाह चौदह से 21 सितंबर दी नया हो। शासन प्रशासन ने 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिपोर्ट लिखती है, लेकिन मामला को दबाने के लिए शासन प्रशासन अनदेखी करती रही। किसके चलते प्रशासन मौन है, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल खड़ा होता है। आखिरकार जब पूरे हिंदुस्तान कि जनता आक्रोशित हो उठी कि पापियों की तुरंत फांसी दो, तब 8 दिन बाद ही पापी कैलन का गिरफ्तारी कर लगलन पापियन का। पहले नंबर पर किसको करते हैं गिरफ्तार। गीत बदल गई। वाह
यह गीतिया बा किरेलिया न बैरी हाई जहाजियो न बैरी हाई पाई सवार बैरी न इत गीत बा लेकिन बिरहा में कभी जी लिखलन है जब गिरफ्तारी होखे लगल पापियन का त मुकदमा बहुत नॉर्मल मुकदमा लिखल गईल कि बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ मार पीट हुआ है। बारे शासन बारे प्रशासन मैं क्या कहूं लिखलन है कभी जी का गिरफ्तारी हो रहल बा कैसे संदीप लावा तू सरामू रवि जुर्म करिया अत्याचारी अनके ना हो अत्याचारी अनके ना कलह कलह थे हाथा करिया अत्याचारी अनके ना इधर पापी गिरफ्तार हो रहल बालन 14 से 28 तारीख तक अलीगढ़ मेडिकल हॉस्पिटल में रखी गई थी बिटिया और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े डॉक्टर ने आवाज दिया और रिपोर्ट लिखा रेफर किया कि एम्स में ले जा करके इस बिटिया को भर्ती कराओ नहीं तो अन्यथा मर सकती है। और यही आवाज भीम आर्मी के नायक चंद्रशेखर बुलंद किए कि बेटी को एम्स में भर्ती कराया जाए। सब लोगों ने मिलकर के आवाज उठाया लेकिन हुआ क्या लिखलन अट्ठाईस सितंबर बेहद नाजुक भय हलातिया सफदरगंज दिल्ली हॉस्पिटल में ले जा करके बिटिया को भर्ती करा दिया गया एडमिट करा दिया गया क्योंकि अलीगढ़ के डॉक्टर साहब ने तो एम्स में रेफर किया था। ये भी एक राजनीति है कुकर्म को बचाने के लिए जो यह पापी इतिहास रच रहे हैं इसको हिंदुस्तानी माफ नहीं करेंगे। लिखलन है कवि जी माँ चल हाहाकार सगरो हई ललचिन नगरिया अत्याचारी अनके हो अत्याचारी अनके बल्ला गल्ला हाथे हाथा करिया अत्याचारी अनके भैया हो 29 सितंबर का वह भयावह दिन स्ट्रेचर पर पड़ी है बहन और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। मीडिया वालों को भी अंदर जाने का आदेश नहीं दे रहे हैं शासन प्रशासन के लोग। तय जय गीत लिखत हुन कवि जी का लिखलन मास्टर
उहे गीत बा कि पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में सितंबर को यह भयानक दिन सफदरगंज हॉस्पिटल में दिल्ली में बहन अंतिम सांस गिन रही है। इस दुनिया को छोड़ चली वह मनीषा बहन त लिखलन है कवि जी का लिखलन जिंदगी से बहनी गईली जिंदगी से बहनी गईली हारी अस्पताल जिंदगी से बहन गईली हार अस्पताल में आखिरकार 29 सितंबर को सफदरगंज दिल्ली के हॉस्पिटल में दम तोड़ दी बहन मनीषा। परिवार को मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं शासन प्रशासन के लोग। तब पपिया कैलन का दिहला न लाश पोस्टमार्टम में ले गई है डॉक्टर से मिल सब रिपोर्टिया बनवल हो देख नहीं पावला हो देख परिवार अस्पताल में माइक करे जवा गई फारी अस्पताल में आखिरकार बाबूजी 29 तारीख को सफदरगंज हॉस्पिटल में बहन दम तोड़ती है और निकम्मी सरकार के निकम्बे लोगों ने मायाचल फैला करके अपने बिटिया की मांग दिया ए साहब हमारे बिटिया मनीषा के दे दही हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने बिटिया के मुखाग्नि दे हम। लेकिन बारे प्रशासन के लोग मैं इतना नहीं समझा था कि इतना घिरे लोग हैं। हिंदुत्व का नारा देने वालों कान खोल करके सुन लो। माँ दामन फैला करके आंचल फैला करके बिटिया का लाश मांगत दिया लेकिन तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। बताओ ये किसकी साजिश है? क्यों ऐसा हुआ? रात का 1:30 बजे हाथरस
बिटिया के गांव लाश लियावल गई। आक्रोशित जनता के देख के ई प्रशासन का लोग कैलन का टेरी में भाव लिखलन कवि जी का, और पूरी जनता यह मांग कर रही थी। का मांग कैले बा? अरे मनीषा को इंसाफ चाहिए, अरे तब तेरी मनमानी को नहीं करेंगे माफ। मनीषा को इंसाफ चाहिए, तेरी मनमानी को नहीं करेंगे माफ। मनीषा को इंसाफ चाहिए। एम्बुलेंस में लाश है और परिवार को नहीं दे रहे हैं पापी। कमीनों ने परिवार को लाश तक नहीं दिया। करते हैं क्या भाव है? आधी रात को लेकर लाश, अरे आधी रात को लेकर लाश गांव पुलिस जब आई है, आक्रोशित जनता में नफरत देख तुरंत घबराई है। लाश न पाए मात पिता, अरे लाश न पाए मात पिता, खुद ही चिता सजाए हैं, पेट्रोल डाल कर फूंक दिए, दानवता को दिखलाए हैं। बारे हैवानियत, हैवानियत हद को पार कर गई। अरे हिंदू तो का नारा देने वालों, तुम्हारी कैसी जरूरत हुई, तुहरे में हिम्मत कैसे पड़ल? परिवार के बिना इजाजत 2:30 बजे रात को तुमने बहन की चिता सजा करके पेट्रोल डाल करके मनीषा बहन को फूंक दिया। सारा सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भारत की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे भी पास बहन बेटियां हैं, थोड़ा तो लाज करो। कभी जी भाव लिखलन है, का लिखलन बाबू? पूरे भारत का माई बहनी का यह पुकार है कि हे प्रभु, हे मालिक, चारों ओर दुशासन घूमतारन, दुहाई है मालिक कैसे? अरे आज रवत बाप, ए भैया आज रवत बाप, हाई सोनवा का चिरैया भैया कबई बाप, अरे कल जुगवा में बन के कुंवर कुन्हैया भैया कब अइबा। हे भगवान, कब अइबा ये दुशासन पापियन के मिटैबा हो? हाथरस का डीएम पापी मनीषा के पिताजी को घेर करके प्रशासन से घर में बंद करवाया है और लात मारा था सीने पर, कहा कि जबान खोलोगे तो जबान काट लूंगा। कहा क्या? अरे धमकाय डीएम घरवा के अंदर परिवार बंद करवाया हो, फोर्स लगा कर पूरा गांव को चारों तरफ घेरवाया हो, अरे खत्म होई ए भैया खत्म होई ई जंगल राज अब कहिया भाई बाप, अरे कबले बिटिया साहत रही है सजैया भैया कबैब। भैया हो, आज बिटिया को जला दिए पापी, सारा सबूत मिटाने के लिए, और इधर प्रशासन पूरा घर परिवार को बंधक बना करके किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के बड़े भैया अखिलेश यादव ने ललकारा है दोषियों को बीच चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद महोदय ने कहा हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे,
लेकिन बिटिया को न्याय दिलवाएंगे। नमन करता हूँ आल्हा में कवि जी भाव लिखलन कैसे लाल। बिटिया बचावा यौरी, बिटिया पढ़ावा ये भैया, जिये नहीं दिहाइया धर्मी बाबा का, अये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान देने वाले अभियान चलाने वालों सुन लो, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक छोटा सा कलाकार होने के नाते मैं बता रहा हूं तुमको कि गंगा चैनल पर जब बिरहा मुकाबला चल रहा था तो एक तरफ लेडीज कलाकार थी और एक तरफ यह प्रमोद लाल यादव था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला था, मैं पास था, लेकिन बिटिया की जब बात आई तो मैं खुद अपना राउंड में हारा था। एक बेटी बचाने के लिए और तुम सरकार में बैठे और कह रहे हो कि मैं बेटी बचा रहा हूं बेटी पढ़ा रहा हूं, शर्म नहीं आ रही है, कहना है क्या? जवन बेटी पायलट याउरी फौज का सिपहिया भैया, अरे देशवा के सीमा का हाई रखवा, अरे प्रशासन के लोग कान खोल करके सुन लो, ये चैलेंज है मेरा। तुमने न कभी बेटी पढ़ाया न कभी बेटी को बचाया, तो इसलिए कहता है प्रमोद लाल यादव क्या? जवन बेटी लक्ष्मी दुर्गा बन के पूजैली ये भैया, हर नजर उठा के देखा हो भैया चारों तरफ पापी घूमतारन, कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में इस शासन काल में, तो कहना है क्या? चारों ओर फैलल ऐसन पाप का यज्ञिया ये भैया, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की आवाज उठी, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो कौन से जज रहेंगे? रिटायर्ड जज के देख रेख में यह मुकदमा चलेगा और पापियों को फांसी तक पहुंचाना है। कैसे? फांसत रह का कोर्ट में अब चली है मुकदमा ये भैया, अरे कहीं न गुहार जाके पीड़ित परिवार, कहां गया वह अर्णव गोस्वामी जो बहुत भौंक रहा था ड्रग्स के मामले में, पर्दाफाश कर रहा था। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आई तो यह अर्णव गोस्वामी छुप गया बिल्ली की तरह। कहां है तो हिम्मत है? तो एक कलाकार तुम्हें चैलेंज करता है अपनी मीडिया पर,
तू क्यों नहीं दिखाया और क्यों नहीं आवाज बुलंद किया? बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। बात करते हो बड़ी बड़ी, सारे मीडिया वाले गए लेकिन तुम्हारी बात नहीं मिली। तो यह प्रमोद लाल यादव पूरे बिरहा पार्टी की ओर से, अब तो पूरा आवाम पूरा उत्तर प्रदेश किसको मांग रहा है? भैया अखिलेश को उत्तर प्रदेश मांग रहा है। अरे सीएम आदित्यनाथ योगी, आपके बस का उत्तर प्रदेश नहीं है, और केंद्र में बैठे मोदी जी, आपके बस की बात नहीं है कि आप केंद्र चलाओगे। अब तो पूरे आवाम की यही आवाज है। क्या आवाज है बाबूजी? आवाज फादा तोहरा से हमार देश चली नाम, दूसर केहू ना खेवैया अखिलेश के बिना। भाव हा। अरे सब कुछ लूट के मरवावत बाटा जनवा, अरे यहां तोहरा राम राज का बात ससनवा। दूसर केहू ना खेवैया अखिलेश के बिना, तोहसे हमार उत्तर प्रदेश चली नाम, दूसर केहू ना खेवैया अखिलेश के बिना। पीड़ित परिवार को यह शासन प्रशासन पैसा देकर के दबाना चाहता है, लेकिन पैसे की कोई कीमत नहीं होती है इज्जत सम्मान के सामने। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आखिरी भाव कैसे लाल? गुरु बिहारी गुरु गणेश जी कितना करूं बयान, चांद चंद्रिका प्यारे लाल जी बदल गया इंसान। मनीषा को इंसाफ चाहिए, परमद नंदलाल का बतिया सुनिला साथ। मनीषा को इंसाफ चाहिए।